देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज खास खबर के साथ में हूं रेणु कैलाश। हवस के इंसानी भेड़ी एक के बाद एक शिकार कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं बेटियों को और सरकार तबादले करने में लगी है। कार्रवाई के नाम पर महज फेरबदल किया जा रहा है और वारदातों को लेकर खानापूर्ति का खेल खेला जा रहा है। जी हाँ, हर जगह डर है, खौफ है, लेकिन बदमाशों को नहीं बल्कि प्रदेश की महिलाओं को, बेटियों को, जो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, सरकार से जागने की पुकार कर रही हैं, इंसाफ का इंतजार कर रही हैं और हैवानों से बचाने की अपील कर रही हैं। एक के बाद एक लगातार मामले सामने आए। आपने देखा किस तरीके से पिछले 4 दिनों में 5 गैंगरेप और रेप की वारदातों से प्रदेश शर्मसार हो गया और इसके बाद सरकार के जागने की मुहिम एक तरीके से अब चलाई जा रही है कि सरकार कम से कम इन मामलों का संज्ञान ले, अब कड़ी कार्रवाई का इंतजार है। 1 जनवरी से एक सिलसिला प्रदेश में शुरू हुआ अपराध का, हालांकि पिछले आंकड़े भी कम भयावह नहीं है, लेकिन 1 जनवरी से जिस तरीके से साइको किलर ने अपने अपराधों को अंजाम दिया, उसके बाद से एक के बाद एक लगातार आपराधिक वारदातों का ग्राफ जो है वो बढ़ता गया और खासतौर पर महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा मामले हरियाणा में देखने को मिले हैं। लाश के साथ भी हैवानियत बरतते रहे यहाँ के दरिंदे जिन्हें कानून और पुलिस का कोई खौफ नहीं। तो प्रदेश में बढ़ रहे बलात्कार की घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से मुलाकात की और बलात्कार की बढ़ती घटनाओं का ब्यौरा लिया। विषय में ये जो पीछे 2-3 घटनाएं हुई हरियाणा में, फरीदाबाद में, जींद में, कल भी मैंने एक लेटर लिखा है डीजी को इस बारे में कि ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं पुलिस इसमें फेलियर है, पुलिस का ये बहुत बड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये घटनाएं तब होती हैं जब पुलिस चौकस नहीं रहती है। एक घटना हुई उसके बाद नहीं पकड़े गए तो लोग सोचते हैं हम एक और कर सकते हैं, तो इसका पकड़ा जाना और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस काम कर नहीं रही, कहीं ना कहीं हरियाणा की पुलिस जो है ना, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फेलियर है उसका और इसमें पॉलिटिकली विल होनी चाहिए कि इनको ज़रा ठीक किया जाए। और मुझे लगता है कल एक मैंने पढ़ा, आज सुबह भी एक पोस्टिंग इसका या ट्रांसफ़र इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि एक जगह से आप उठा के दूसरी जगह रख रहे हो तो जो निकम्मा है वो निकम्मा ही रहेगा। अगर इसके साथ साथ थोड़ा सोसाइटी में भी चेंज, क्योंकि मुझे लगता है जब तक सोसाइटी की सोच में बदलाव नहीं आएगा महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, तब तक ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो भी पुलिस का काम है सेंसिटाइज करना लोगों को, स्कूल कॉलेज में लड़कियों को सुरक्षा के लिए सिखाना कि अपनी सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाए। विडंबना है किस तरह की घटनाओं के बाद तमाम आयोगों की जो नींद है वो जाकर खुलती है और उसके बाद उसका ब्यौरा लिया जाता है, संज्ञान लिया जाता है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, दम तोड़ देता है और जब फिर कोई घटना होती है तो फिर एक सैलाब सा आता है। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शहर शहर निर्भया की पुकार, कुछ तबादले, कुछ बदलाव, क्या बदलेगी तस्वीर, क्या दिला पाएंगे इंसाफ? रेप की वारदातों के बाद सरकार जागी, तबादले हुए, बदलाव किए गए, लेकिन कार्रवाई का ये वो खेल है जो कुछ समय में दम तोड़ देगा, मामला शांत हो जाएगा, सरकार कहीं और व्यस्त हो जाएगी, पुलिस दोबारा कछुआ चाल चलेगी और फिर इंतजार होगा किसी नई वारदात का जो फिर दिल दहला देगी, जो फिर सवाल पूछेगी, जो फिर शर्मसार करेगी। पिछले 4 दिनों में हुई रेप की वारदातों में न सिर्फ बेटियों की इज्जत गई बल्कि सरकार की इज्जत भी तार तार हो गई। हम खड़े हैं पानीपत में, वो पानीपत जहां प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और आज आप हालात देख सकते हैं कि ये पानीपत जो है क्राइम सिटी बन गई है, ना कोई इसकी सुध लेने वाला है, ना कोई इसको समझने वाला है। पुलिस प्रशासन जागता है जब किसी बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आज मेरे साथ वो बच्चे हैं जो इसके लिए रोष प्रकट कर रहे हैं और मैं ये दिखाना चाहूँगा उनके हाथों में वो किस तरीके की अपील कर रहे हैं समाज से। इन छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में ये भी अपील कर रही है, ये भी अपील कर रही है। इनको नहीं मालूम रेप क्या होता है, बलात्कार क्या होता है। और मेरी हरियाणा न्यूज़
चैनल की मांग है कि सरकार इन बच्चों की सुरक्षा का क्या आश्वासन देती है, क्या इन बच्चों को इन्हीं हालात में छोड़ दिया जाएगा। ये हालात है उस प्रदेश के जहां सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है, जहां बेटियों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन अब ये वो प्रदेश बन गया है जिसमें बदमाशों में नहीं बल्कि बेटियों में डर है। डर है कि कहीं रास्ते में आते जाते कोई अपहरण ना कर ले, कहीं कोई अपनी हवस का शिकार ना बना दे, कहीं कोई दरिंदगी की हदें ना पार कर दे। हरियाणा में बच्चों के साथ बढ़ रही रेप के मामले में लगातार हरियाणा शर्मसार हो रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बुद्धिजीवी चिंतित हैं, मुख्यमंत्री चिंतित है, सरकार चिंतित है और विपक्ष चिंतित है। पर देखिए जो मामला है, ये लगातार बढ़ रहे मामलों ने जो है हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर भी शर्मसार कर दिया है। अगर बात करें कुरुक्षेत्र के झांसा गाँव की निर्भय की, तो उसके साथ जो हवानियत का खेल खेला गया, उस खेल को खेलने वाले दरिंदे अब तक पुलिस की पहुंच से बाहर हैं और निश्चित रूप से पुलिस अपना काम कर रही है पर रिजल्ट अब तक नहीं आया है। वहीं लड़की के पिता ने भी पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो शायद उनकी बेटी बच सकती थी। हाल फिलहाल जानकारी ये है कि पुलिस ने लगभग 4 से 5 लोगों को राउंड अप किया हुआ है और वो उनसे पूछताछ कर रही है और कोई भी इसी मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पर कहीं ना कहीं इस तरह के मामले जो हैं इंसानियत को शर्मसार करते हैं और जो समाज है उसके जो गिरता स्तर है वो उसको जाहिर करते हैं। दिशा बदलने से पहले दशा बदलनी होगी, क्योंकि इस तरह के अपराध रोकने के लिए सबसे पहले समाज को जागरूक होना होगा, उसके बाद पुलिस, कानून और सरकार जागेगी। बेटियों के साथ हुई इन वारदातों ने पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए, तो कार्रवाई के इस खेल को भी सवालों के कटघरे में ला दिया कि क्या सिर्फ तबादले करने से ही न्याय मिल पाएगा, क्या छोटे बदलावों से प्रदेश में बेटियां सुरक्षित होंगी और क्या सरकार का ये एक्शन इस हैवानियत के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी, तो ये रिपोर्ट भी हैरान और परेशान करने वाली है और वाकई कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या सरकार प्रशासन वाकई महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर है भी, या एक के बाद एक घटनाएं सामने आने के बाद जब तक कोई कड़ी फटकार नहीं लगती है तब तक ना सरकार ना प्रशासन कोई भी जीतेगा। ये वही राज्य है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उन तमाम बातों का क्रेडिट लिया जाने लगा, लिंगानुपात में सुधार का क्रेडिट लिया जाने लगा। लेकिन सवाल ये भी है कि लिंगानुपात में सुधार का आपने क्रेडिट तो लिया, लेकिन जो असमत लुट रही है क्या उसकी जिम्मेदारी भी सरकार लेगी? बहुत सारे अहम सवाल हैं और इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह जी, बहुत स्वागत है सर आपका। तमाम घटनाक्रमों से आप वाकिफ हैं, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि कितना लचर प्रशासन और सरकार आपको इस तरह की घटनाओं में अब दिखाई दे रहा है? पहले तो इन घटनाओं की निंदा और पीड़ितों के प्रति संवेदना। जो आप लचर की बात कर रहे हैं सरकार की या पुलिस की जी, सरकार के मुखिया के आपके चैनल पे ही बहुत बार डिस्कस हुआ, इस तरह की जो घटनाएं पूर्व में हुई उनके बारे में आपने देखा कि सरकार के मुखिया के बयान कितने, मतलब उनको क्या कहें, एक मुखिया के बयान नहीं थे वो। इस तरह के जब मुखिया के बयान आते हैं तो उससे जो आम जनता है उसमें तो विश्वास घटता है सरकार का भी और पुलिस प्रशासन का भी, और जो क्रिमिनल हैं उनमें उनका हौसला बढ़ता है कि सरकार क्राइम के प्रति या खास तौर से महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। उससे ये पता चलता है कि सरकार कितनी संवेदनहीन है इस मामले में। तो आप जो लचर की बात कर रहे हैं, जब सरकार का मुखिया के बयान इस तरह के रहे हों तो उसे क्या कहोगे, लचर कहोगे या उनकी जानबूझ के ये टेंडेंसी कह सकते हैं, उसे कुछ भी आप नाम रखिए। अब जैसे आपने जिक्र किया, देखिए पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई, आंदोलन हुए या 2-3 जो आंदोलन हुए जिनमें सो कॉल्ड बाबा जिन्हें हम कह रहे हैं, बाबा कहना वैसे तो बड़ा घटिया सा लगेगा अब, पर लेकिन सो कॉल्ड जो बाबा है उनके बारे में जो बातें हुई या जाट आंदोलन चला, उसमें जो पुलिस की और सरकार की जो एक तरह से उनका जो पक्ष रहा उसने दोनों को ही बैकफुट पे खड़ा कर दिया। चाहे अपनी कमर थपथपाएं वो एक अलग बात है, अपने आप कमर थपथपा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। जहां तक हम महिलाओं की बात करें, डिंगरहेडी में मुखिया का क्या बयान था जी? आपके जो मानेसर में हुआ उसका क्या था,
और स्कूल में जो बच्चियां आती थी उन्हें हड़ताल करना पड़ा और उसके बाद वहां स्कूल अपग्रेड हुए दो तीन। पलवल में एक लड़की को जब वो आपके माध्यम से उठाई गई बात तो उसे फिर सुरक्षा दी गई। इस तरह से इसमें फरीदाबाद में हुआ। अब जैसे हम आज बात करते हैं इनकी बात, तो जब अगर सरकार का रुख इस तरह का हो तो जो क्रिमिनल है उनका हौसला तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें क्या कमी रह जाएगी। और ये बढ़ के इस कदर हो गया है कि अब जो है कहीं इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जा रहा है, कहीं कमिश्नर को आईजी को बदला जा रहा है, तो ये क्या कहें इसे, आम लोग क्या समझते हैं। सबसे जरूरी बात होती है, देखो क्राइम बढ़ता घटता रहता है, इसमें किसी का कुछ वो नहीं है, ये तो जब से सृष्टि बनी है क्राइम का चलता रहता है। लेकिन सरकार का और जो तंत्र है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उसकी जो एक तरह से साख अगर उस पर लग जाए। एक पुराना एक शेर है पुराने किसी उसका शायर का कि हमें रहगरों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तो ये बता कि कारवा लुटा क्यों। मतलब इस बात में ये बात कहने की कोशिश की है उसने कि रहगर तो अपना काम करते रहेंगे, जो बदमाश है वो तो करते रहेंगे, लेकिन तू जो रहबर है, तेरी रहबरी में अगर कारवा लुटता है तो उसका जवाब दे। बिल्कुल, तो ये तो सरकार को जवाब देना होगा, पुलिस को देना होगा जवाब कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, और सवाल उठने लाजमी भी है, चर्चा हम जारी रखेंगे। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि हरियाणा न्यूज की खबर का कल असर भी देखने को मिला था और कल से ये सिलसिला आज तक जारी है। जिस तरीके से हमने खबर दिखाई उसके बाद फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर का तबादला किया गया, कई बड़े स्तर पर तबादले किए गए और ये सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। चर्चा हम जारी रखेंगे। जी हाँ, तो मनोहरता छोड़ दो, सरकार अब सख्त होने का समय आ गया है, लेकिन क्या ये सख्ती दिखाई देगी, चर्चा हम लगातार जारी रख रहे हैं। और इस बीच हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं उन तमाम प्रमुख लोगों से बातचीत करने की जिनके कंधे पर जवाबदेही है, पुलिस प्रशासन से बात करने की, तमाम पॉलिटिकल लीडर से बात करने की, लेकिन अभी भी ये संपर्क नहीं हो पा रहा है। कई जगहों पर हमारा फोन कॉल नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। राजकुमार, माफ कीजिएगा, महाराज सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महाराज जी, एक और सवाल, बात हम फरीदाबाद की घटनाक्रम की करते हैं। एक महिला फोन करती है पुलिस प्रशासन को कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो रही है। दो घंटे तक पुलिस प्रशासन उस लड़की को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। लड़की खुद जब उनसे बचती है, निकलती है बाहर, उसको फेंका जाता है, उसके बाद वो बताती है कि वो यहाँ पर है। ये किस तरह का पुलिस प्रशासन है? आप इतना हाईटेक होने की बात करते हैं, मुझे प्रकाश सिंह जी का वो बयान याद आता है जो उन्होंने अभी पिछले घटनाक्रमों के तहत कहा था, जब हरियाणा जल उठा था उन्होंने कहा था कि हरियाणा का जो पुलिस प्रशासन है उसको वाकई स्मार्ट होने की जरूरत है और जितनी लचरता यहाँ पर है वो शायद ही कहीं पुलिस प्रशासन में, वो बात एकदम सच दिखाई देती है। देखिए, अब इतनी बड़ी घटना हो रही है और ये थाने खोल के खुश हो रहे हैं। अब महिला आधी आबादी, महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो देश की, प्रदेश की या घर की आधी आबादी की बात करते हैं, आधी आबादी को अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो और जो बची हुई आधी आबादी है उसमें भी घटनाएं तो हो रही हैं, होंगी बिल्कुल, तो आधी आबादी के प्रति आप कितने सेंसिटिव हो। अब जो लड़की जैसा आप बता रहे हैं टेलीफोन किया, दो घंटे तक उस लड़की के पास वो नहीं पहुंच पाए, ट्रैक नहीं कर पाए, उसने ये भी बताया होगा कि मुझे इधर ले जाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बताया हो, तो अब क्या कहें उसे, मतलब इससे ज्यादा लचर काम और क्या हो सकता है। मतलब ये तो एक तरह से बहुत ही पुलिस के लिए तो बहुत निंदनीय है कि उसकी कार्यशैली को लोग इतने ज्यादा हो। उससे देखिए, एक केस की बात करें, चलो मान लिया एक केस था, लेकिन उससे पीछे जो लोगों के मन में अविश्वास पैदा हुआ, जो घटना हो जाती है उसके बाद भी एक जो अविश्वास पैदा हुआ, एक पुरानी कहावत बताते हैं कि किसी सेठ के पेट से ऊपर से सांप निकल गया, वो घबराया हुआ था, दूसरे ने पूछा भाई तू घबराया, उनका रास्ता पड़ गया। अब लोगों में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई एक वारदात के पीछे दूसरी होती जा रही है, ये तो रास्ता बन गया है क्रिमिनल्स के लिए, रास्ता बन गया है, और पुलिस फिर भी वो लालाजी जो थे वो तो बेचैन तो हुए, बिल्कुल,
लेकिन सरकार तो बेचैन नहीं हो रही, पुलिस प्रशासन तो बेचैन भी नहीं हो रहा, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। चलिए लौटेंगे आपके पास। सुनीता दुग्गल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं। सुनीता जी आवाज मिल रही है? सुनीता जी आवाज मिल रही है क्या? हेलो जी, सुनीता जी सुन पा रही है क्या? नहीं, ये बहुत आपकी आवाज कट के आ रही है, बिल्कुल वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आवाज। अच्छा, अब आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी, अब मिल पा रही है। जी, बात हम रेप और गैंगरेप की वारदातों की कर रही हैं, जिसके बाद अब तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ है। सुनीता दुग्गल जी, क्या इस फेर बदल से हम किसी चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं क्या, या अभी भी लोगों में ये आक्रोश है कि सरकार उस तरीके से नहीं चेत रही है, उस तरीके से नहीं जाग रही है जिस तरीके की उम्मीद सरकार से लोग पाल कर बैठे हैं? तमाम आक्रोश है। देखिए, ऐसा है कि जो घटनाएं हैं वो सच में बहुत विभत्स हैं और बहुत दुखदाई हैं और बिल्कुल मन को झकझोर देने वाली हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तबादला है वो सरकार जो है समय समय पर करती रहती है, वो उससे इसको कनेक्ट करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन ये मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस एरिया में, खासकर फरीदाबाद में जो एक मामला हुआ है, जिसमें लोकेशन पता होने के बावजूद भी जो है वो पुलिस उतना प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं ले सकी, उसके लिए मुझे लगता है कि वहां पर जो भी उसमें जो जिनकी जिम्मेवारी थी, जो उस बीट में या जो उस एरिया में रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर्स थे उस चीज के लिए, उनके खिलाफ मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई जरूर करने वाली। लौटेंगे आपके पास। सुनीता दुग्गल जी आप बने रहिए, चर्चा हम जारी रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, यहाँ पर भी एक रेप की वारदात सामने आई है सोनीपत से, जहाँ पर एक पड़ोसी युवक पर ही रेप का आरोप लगा है और उसने धमकी भी दी जान से मारने की पीड़िता को, उसके बाद वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। समाज कहाँ जा रहा है, क्या कोई खौफ है कि नहीं है, क्या वाकई ये प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित है, क्या ये लाडो का देश है, तमाम सवाल है। कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर। रंजीता जी आवाज मिल रही है? रंजीता मेहता जी सुन पा रही हैं आप? हाँ जी सुन पा रही हूँ। रंजीता जी बात कर रहे हैं तमाम घटनाक्रमों की, जिसमें एक के बाद एक पिछले चार दिनों में लगातार गैंग रेप और रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपकी पार्टी की तरफ से आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, और क्या आप भी ये महसूस करती हैं कि सरकार और प्रशासन फेल है? देखिए, प्रशासन तो कुछ भी फेल ही है। आप देखिए कि पिछले 48 घंटों में जब 5 वारदातें सामने आती हैं, वो भी नाबालिग बच्चियों के साथ, कोई 10 साल की बच्ची है, कोई 11 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, इससे ज्यादा इनह्यूमैनिटी क्या हो सकती है कि दरिंदे छोटी बच्चियों को शिकार बना रहे हैं और एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं और फिर भी रटे रटाए बयान आते हैं कि संज्ञान लेंगे, हेल्पलाइन शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ, अभी सुनीता दुग्गल जी ने जो कहा कि फरीदाबाद के अंदर लोकेशन पता होने के बावजूद पुलिस वाले नहीं ट्रेस कर पाए और 2 घंटे तक जो थे वो दरिंदे गाड़ी में लेकर घूमते रहे, तो वो बिल्कुल सही बात है कि वो इमीडिएट सस्पेंड होना चाहिए ड्यूटी पे जितने भी लोग थे, और कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई ना हो, कम से कम इंस्टॉल्ड हो कैमरा जगह जगह पे, ताकि जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों को पकड़ा जा सके। और कानून व्यवस्था में भी हमें चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम कड़े कानून नहीं करेंगे, अरेबियन कंट्रीज की तरह हम फॉलोअप नहीं करेंगे, उस तरीके का कानून जब तक हम अमल निजामा नहीं देंगे, तब तक हम बच्चों को ना ही बचा पाएंगे ना ही पढ़ा पाएंगे। चलिए लौटेंगे आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच सोनीपत का रुख कर लेते हैं, जहां से बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, जहां पर एक और रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। संवाददाता लाजपत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। लाजपत, विस्तार से इस घटनाक्रम की जानकारी दें, यहां पर भी एक बलात्कार की खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में क्या, पूरे हरियाणा की हम बात करें तो लगातार ऐसा मामला देखने को मिल रहा है, जो बच्चियों से जो रेप का मामला सामने आ रहा है, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को जागने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की जो बच्चियों के साथ अत्याचार जो देख रहा है, कहीं ना कहीं नसानी है सवाल जो पुलिस प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस को अगर इस पे करड़ू कड़े कानून अगर इस पे उचित कार्रवाई की जाए तो लोगों के अंदर दहशत फैलेगी और इस बात पर उचित कार्रवाई हो, क्योंकि लगातार जो हरियाणा में इस तरह के मामले, रेप के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जागने की जरूरत है। देखिए, नारे जरूर लगते हैं बेटी बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों पर जब अत्याचार होता है तो सरकार को जागने की जरूरत है, क्योंकि अब बात करें जिंदगी, सोनीपत की, पानीपत की, काफी ऐसे मामले जो सरकार के दौरान जो हो चुके हैं रेप के मामले, और उन पीड़िता को जो इंसाफ नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी है। देखिए, सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल लाजपत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ठोस कदम उठाने की जरूरत है,
क्या ये ठोस कदम उठाए जाएंगे? नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं क्योंकि मामूली फेरबदल से इस प्रदेश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सख्त संज्ञान नहीं लेंगे, सख्त कदम नहीं उठाएंगे, सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे, एक नजीर एक मिसाल नहीं पेश की जाएगी, तब तक निर्भया के साथ ऐसा ही होता रहेगा। बहुत शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी, रंजीता मेहता आपका और महाराज सिंह जी आपका भी बेहद शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां राजीव चौक पर चलती कार में आग लग गई है। कार बॉर्डिंग कार बन गई है, आग लगने से पूरे तरीके से खाक हो गई ये कार। ड्राइवर ने कूद कर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कार में आग लगी हुई है। लपटे देखिए और भयावहता का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि अगर इस पे खुदा न खास्ता कोई जान होती तो उसका क्या हाल होता। किसी तरीके से ड्राइवर ने कूद कर जान बचाई और हैरानी की बात यह है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर नहीं पहुंची है। संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ फोन लाइन पर। नीरज, बर्निंग कार यहाँ पर एक कार जो है वो बन गई है, क्या कारण रहे इस कार में आग लगने के और फिलहाल क्या हालात बने हुए वहां पर? खबर ये भी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंची मौके पर। तो देखिए एक जो है करोला अल्टिस के अंदर जो है ये कार में आग लगी जो है बताई जा रही है। हालांकि जो ड्राइवर था इसमें वो जो है किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल कर भागा था, लेकिन जो उसके कागजात थे जो कैश था वो सारा जलकर जो है वो खाक हो गया। और आग इतनी भयानक थी कि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंचती जो है तब तक जो है वो आग जलकर राख हो चुकी थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। छोड़ सकते हैं जगह।